अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शमुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिर अमीर। वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वुडन लेमिनेटेड फ्लोर्स के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के। बेसिकली ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, इसलिए हमने सोचा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं। बेसिकली जो हमारे पास वुडन लेमिनेटेड फ्लोर है, ये मल्टीपल लेयर फ्लोरिंग है और इसकी कुछ कुछ रिजेम्बलेंस वुड की तरह होती है। वैसे तो मार्केट में वो टाइल्स भी आ गई हैं जिनकी प्राइस 1000 रुपये मीटर से स्टार्ट होती है, लेकिन इस लेमिनेटेड फ्लोर की प्राइस 140 रुपये स्क्वायर फीट से 350 स्क्वायर फुट तक जाती है। और उसके अलावा अगर आप वुड का फ्लोर लगाते हैं तो वो 10000 रुपये मीटर से स्टार्ट होती है। और इसको मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ बनाया गया है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और वेयर प्रोटेक्शन को ज्यादा किया जा सके। जहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो, जैसे कि किचन और बाथरूम वगैरह, वहाँ पे हम ये क्यों नहीं लगवा सकते? वहाँ पे हम इसलिए नहीं इसको यूज कर सकते क्योंकि पानी लगने से ये खराब हो जाती है और इसको दीमक भी लगना शुरू हो जाती है, और दीमक इसको वैसे भी लगना शुरू हो जाएगी, इसको पानी लगे या ना लगे, दीमक इसको फिर भी लगना शुरू हो जाती है। और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है, जिसके लिए आपको सेपरेट पैसे भी खर्चने नहीं पड़ते क्योंकि कंपनी जो है वो खुद लगा के जाती है। इसकी इंस्टॉलेशन पे टाइम नहीं लगता, उसकी वजह ये है कि ये एक दिन में एक से ज्यादा कमरे में लगाई जा सकती है, जबकि टाइल्स या मार्बल पे इसकी निस्बत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा जी आतिर, अब आप हमें इसके डिफरेंट साइजेस के बारे में बताएं। इसमें ये 8 इंच थिकनेस में अवेलेबल होती है, 4 इंच में भी अवेलेबल होती है, पर इसकी जो लेंथ है वो 4 फुट ही होती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो 4 इंच वाली होगी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, जो 8 इंच वाली होगी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। अमूमन ये बच्चों और बुजुर्गों के कमरों में लगाई जाती है क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस पे गिरने से चोट नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि जब इसकी इंस्टॉलेशन होती है तो इसके नीचे फोम जैसी शीट एक बिछा दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी सॉफ्टनेस ज्यादा हो जाती है। फोम की शीट बिछने के बाद इसके ऊपर इसका लेवल निकाला जाता है, लेवल निकालने के बाद शीट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो नीचे फ्लोर है वो बिल्कुल एक सरफेस पे होना चाहिए। ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन, लेकिन ये रिफिनिश नहीं हो सकती। वुड वगैरह पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाए तो वो रिफिनिश हो सकती है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मिट्टी वगैरह भी लग जाए तो ये आसानी से साफ नहीं होती। इसकी सफाई के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना पड़ता है, जिससे इसकी सफाई में थोड़ी बेहतरी आ जाती है। और इस पे शोर भी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप इसको अपने घर में लगवाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा ईशम, इसमें शोर की वजह ये भी है कि जो घर में टाइल्स यूज होती हैं वो तो नीचे से फिक्स हो जाती हैं, ये क्योंकि फिक्स नहीं होती नीचे, इसके नीचे सॉफ्टनेस ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसमें शोर ज्यादा आता है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम है, जो टाइल्स और मार्बल है वो अगर आपके घर में लगी हो तो वो 20 से 25 साल निकाल जाती है, लेकिन ये 8 से 10 साल तक आपके घर में रह सकती है, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी इसके लिए आपको केयर और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।